अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। ये हमने चने उबाल लिए हैं और इधर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है। दो बड़े साइज के प्याज लिए थे और उसमें मैंने तमाम ये प्याज को ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है इसमें। ये देखिए, ये मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। एक चम्मच जीरे की मैंने इसमें शामिल की थी जब हम प्याज ब्राउन करने लगे थे। ज़ीरा भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। और इधर ये चावल साफ करके मैंने पानी में भगो के रख दिए हैं। 1 किलो चावल हैं। ये मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर काट लिए हैं और अभी मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ा सा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट यकजान हो कर फ्राई हो जाए तो फिर बताऊंगी आगे मैंने क्या करना है, क्योंकि पुलाव की जान हैं ये मसाले। जब मसाले भी अच्छे तरीके से आप फ्राई ना करें और बनाएं तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं और बनाते हैं। तो ये अब मैं इसमें जो टमाटर मैंने काटे हैं वो डाल देंगे। ये टमाटर मैंने इसमें डाल दिए और आप इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ से मैं एक छन्ना लूँगी और ये देखिए चने मैंने इधर ट्रांसफ़र करने हैं। कुछ चने मैंने चाट बनाने के लिए रखने हैं, कुछ मैंने पकाने के लिए रखने हैं। ये देखिए हाफ चने मैं इधर ही ऐड कर रही हूँ और ये मैं इधर नमक मैंने चनों में डाल के उबाला था। बहुत टेस्टी और मज़े के चने हैं। ये देखिए अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे। ये हाफ चम्मच मैंने जो है धनिया डाल दिया है। अब 1 चम्मच मैंने ये दड़ा मिर्चों की डालनी है। ठीक हो गया। और अब मैंने इसमें ऐड कर देना है बिरयानी मसाले को ढूंढ के डब्बा। ये मिल गया है मुझे डब्बा, तो मैंने इसमें ऐड करना है थोड़ा बिरयानी मसाला, जिससे एक बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। ये देखिए ये बिरयानी मसाला ये ऐड कर, तो ये हम इसको, ये मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। ये वाला हम बिरयानी मसाला इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई और नमक शामिल करते हैं और ये मैं बंद कर देती हूँ टैप को। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हम नमक भी शामिल करेंगे, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। ये नमक हमने हसबे जायका डालना है। 1 चम्मच भर के डाल दिया, ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच 1 किलो चावल में। इसका आप याद रखिएगा। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। ये देखिए अच्छे तरीके से तमाम मसालों को फ्राई करके फिर मैंने इनमें पानी ऐड कर देना है। ये मैं इसको आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए पार्क है, गर्मियाँ हैं तो बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा है। हर तरफ चहल पहल है और खूब बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं। हम कुकिंग कर रहे हैं, हम अपना दिल कुकिंग में मशगूल रखते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, मौसम में इंजॉय करते हैं।
दो दिन की ज़िंदगी हंस खेल के गुजारिए। ये देखिए आप हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बिरयानी मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया है उसकी खुशबू पूरे किचन में आना स्टार्ट हो गई है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। तो मैं अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई करके इसमें मैंने डाल देना है पानी चनों में। ये देखा है टमाटर बस थोड़े से हो जाए ना, यस। तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी क्योंकि चने जो है एक ताकतवर गज़ा है, ये आपको अपने बच्चों को खिलाने चाहिए, ठीक है ना। हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी चने बनाया करें, लोबिया की दाल बनाया करें, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, इसलिए आप ये अपने बच्चों को लाजमी बना के खिलाया करें। ये देखिए अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें पानी ऐड करना है और इसको उबालने के लिए छोड़ना है। ये अब ये इसी पानी में पकेंगे और जब अच्छी तरह पानी उबलेगा, ये जो पानी रहता है मैं ये भी शामिल करती हूँ, और इसका उबाल आने तक हम इसको छोड़ते हैं। तो ये पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें चने डालेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए तमाम पानी कम करके ये हमने चने इसमें, ये चावल जा रहे हैं, तमाम चावल मैंने इसी चने की मदद से इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए तमाम चावल मैं इसमें थोड़े थोड़े करके ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह ऐड करेंगे। ये देखें तमाम चावल इसमें ऐड हो गए। ये जी आपने इसको इस तरह मिक्स कर लिया और उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखा है बस एक उंगली से ऊपर पानी हो, इतना ही ये पानी ऊपर है क्योंकि अब मेरा हाथ चलेगा इसलिए मैं नहीं लगा रही। ये पानी खुश हुआ है तो अब मैंने इसके ऊपर ये दम लगा दिया है। इसको 7 मिनट का हम इसको दम देंगे और उसके बाद चावल निकाल कर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए चावलों का हम दम चेक करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना निखर कर आया है। तो ये देखिए चने वाले चावल मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ये हम आपको डिश आउट करके बता रहे हैं। ये देखिए ये देखिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके माय यूट्यूब फैमिली, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।